अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। यूपी के मेरठ में अपराधियों के हौसले एक बार फिर से बुलंद हो चले हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के जत्तीवाड़ा में कागज व्यापारी पुनीत जैन को बदमाशों ने दुकान में घुसकर गोली मार दी। गोली लगने की इस घटना से इलाके में सनसनी मच गई है। तुरंत ही व्यापारी को गंभीर अवस्था में सुशीला जसवंत राय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली मारने के पीछे प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है। घायल व्यापारी का नाम पुनीत जैन पुत्र राकेश जैन है। बुढ़नगेट स्थित पेपर मार्केट में उनका वर्धमान कॉपी सेंटर नाम से प्रतिष्ठान है। पुनीत पंजाबीपुरा के रहने वाले हैं। घटना की सूचना मिलते ही संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता, महामंत्री दलजीत सिंह, मीडिया प्रभारी सुधांशु जी महाराज, नवीन अरोड़ा, सुधीर कुमार, अंकुर गोयल आदि मौके पर पहुंच गए। मौके पर मौजूद संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने इस घटना पर चिंता जताते हुए यह कहा। आज हमारे एक व्यापारी जिनका नाम पुनीत है, पुनीत जैन सन ऑफ श्री राकेश जैन, जो अपनी दुकान पर बैठे थे, कुछ अज्ञात लोग आए और उन्होंने पहले उनके साथ मारपीट की और उसके बाद उनको जान से मारने की नीयत से उन पर फायर किया, जो कि उनके पेट में लगा है। ये आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अभी तीन दिन पहले यहीं के एक व्यापारी के संग लूट की घटना हुई और ये घटनाएं लगातार व्यापारियों के साथ बढ़ रही हैं। बहुत चिंता का विषय है। जहाँ सरकार की प्राथमिकता कानून व्यवस्था है, ऐसे में इस प्रकार की घटनाएँ रोज होना ये एक चिंता का विषय है और व्यापारी भयभीत है, व्यापारी में भय व्याप्त हो गया है। और मैं जिला प्रशासन से और सरकार से मांग करता हूं आपके माध्यम से कि तत्काल प्रभाव से ऐसे अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाया जाए। ये अपराध व्यापारी के साथ नहीं होना चाहिए। व्यापारी भयमुक्त होकर अपने व्यापार को कर सके, ऐसी व्यवस्था यहाँ के प्रशासन को सुनिश्चित करनी चाहिए। कुछ पता चला भैया की क्या कंडीशन? अभी भैया का ऑपरेशन चल रहा है, पेट में गोली उसके लगी है और वो साइड से लग के और पेट में आ गई है। ऑपरेशन चल रहा है और हम सभी लोग चिंतित हैं व्यापारी को अपने लेकर और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो सह कुशल अपने बच्चों घर पर परिवार में वापस आए। लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, चिंता का विषय है। आरोपी का पता चल पाया कुछ? आरोपी के बारे में अभी पुलिस अपनी जानकारी कर रही है, उनके परिवार से बातचीत उनकी चल रही है। अपना परिचय दे दीजिए। जो घटना होगी और जो पुलिस को बताएंगे उसके आधार पर FIR लिखवाई गई है और जैसा होगा हम सभी लोग व्यापारी के साथ खड़े हैं और इस तरह की घटनाओं का हम खुलकर विरोध करेंगे। संघ व्यापार संघ अध्यक्ष के नाते मैं जिला प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द इन घटनाओं को रोके, इस घटना को खोले और अपराधिक घटनाएं ना होने पाए व्यापारी के साथ, ये मैं मांग करता। कैश में कुछ पता गया कि कोई रंजिश तो नहीं थी भैया की किसी से? देखिए, ये उनके परिवार से CO साहब बात कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन बात कर रहा है और जो बात होगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी हमारी प्राथमिकता अपने व्यापारी को बचाने की। ये पुलिस मार्केट में अपना वर्धमान कॉपी सेंटर के नाम से अपनी दुकान चलाते हैं। इनका अपने मकान मालिक वरुण चगतिया से लेकर विवाद चल रहा है। इसी में आज सुबह जब ये 10:30 बजे गए अपने दुकान में मौजूद थे, तभी वरुण आए हैं, उनसे इनकी बहस हुई और उसी में उन्होंने इन पर गोली चला दी। सर, कोई किसी से विवाद वगैरह था कुछ? ये आपस में इनका किराएदारी को लेकर विवाद बताया जा रहा है कि जो किराया की जो कीमत है, जो किराया है, उसको लेकर आपस में इनका विवाद चल रहा है दिसंबर से। क्या मालिक मकान समझे सर? उसने मालिक वरुण देवतिया की दुकान है जो मालिक है और पुनीत जैन जो घायल हुए हैं व्यापारी जी, वो यहाँ पर किराए पर दुकान चलाते थे। आप देखते रहिए FirstBite.tv और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना वे बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।